सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा नौ गणित की प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 9। पीछे वाले वीडियो मैंने आपको प्रश्न नंबर 8 तक बता दिए हैं। वीडियो आपको देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 9 को सरल करते हैं। इसमें हमें देखिए दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। अब इस चित्र में ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज इसमें बना हुआ है। आगे लिखा है कि एबीसीडी की एक भुजा एबी को एक बिंदु बी तक बढ़ाया गया है। अब जो एबी भुजा है, ये देखिए ये एबी भुजा है, इसको आगे बढ़ाया तो बिंदु बी तक इसको बढ़ाया गया है। उसके बाद में लिखा है ए से होकर सीपी के समांतर। अब देखिए ए से होकर सीपी के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई सीपी को क्यू पर मिलती है। ये बिंदु ए है, इससे हमने एक रेखा खींची इस तरह से सीपी के समांतर, तो ये सीपी है, इसके समांतर हमने ये एक एक्यू रेखा खींची और यहां से बी क्यू जो है वो यहां पर आके मिल गई, यानी कि ये बिंदु क्यू पर मिलती है। तो ए क्यू और यहां पर सीपी, ये दोनों क्या है, समांतर दी गई है, क्यू पर मिलती है और फिर समांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर को पूरा किया गया। अब इसमें एक समांतर चतुर्भुज और है पी बी क्यू आर, ये एक समांतर चतुर्भुज है और एक ये समांतर इसमें चतुर्भुज, यानी इसके अंदर दो समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी जो समांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल बराबर होगा पी बी क्यू आर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो ये पी बी क्यू आर इसका क्षेत्रफल और एबीसीडी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमें सिद्ध करना है। तो देखिए मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो समूह भुजाएं होती है आमने सामने की, वो समांतर और बराबर होती है, ये हम जानते हैं। दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज का जो विकिरण होता है, अगर हम एक समांतर चतुर्भुज में एक विकिरण बना दें, मान लीजिए ये हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है और मैं इसके अंदर एक विकिरण बना देता हूं इस तरह से, तो इसका मैं नाम लिख देता हूं ए बी सी और डी। अब ये समांतर चतुर्भुज है, इसके समूह भुजाएं समांतर और बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज में अगर हम एक विकिरण इस तरह से बना देते हैं तो ये विकिरण क्या करता है कि समांतर चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज बना देता है। एक ये बन गया, एक ऊपर वाला, इसमें दो चतुर्भुज सॉरी त्रिभुज है वो बन गए, और दोनों जो त्रिभुज होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। ये चीज हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकिरण है वो समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो एक ये त्रिभुज एक नंबर और ये दो नंबर, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा और दोनों सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम क्यों होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस त्रिभुज में ये भुजा और नीचे वाले में ये भुजा बराबर है, इस त्रिभुज में ये भुजा और इधर वाले त्रिभुज में ये भुजा बराबर है और ये इसकी कॉमन भुजा है यानी उभयनिष्ठ भुजा। तो दोनों त्रिभुज के अंदर तीन तीन चीजें बराबर हो गई, इसका मतलब दोनों क्या है, सर्वांगसम। इसीलिए जो विकिरण होता है समांतर चतुर्भुज का वो इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। और हम देखिए यहां पर दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, अगर इसमें से हमें एक त्रिभुज लिखना हो कि नीचे वाला या ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज जो बना हुआ है इसके क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये चीज हम इसमें लगाएंगे और उसके बाद में इसको हम सरल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले, और मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पे हो और एक ही समांतर लाइन के बीच में स्थित हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। यहां पर देखिए एक तो है ए सी और क्यू, ये त्रिभुज है, दूसरा ए पी क्यू, ये त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज का आधार देखिए ये इसका आधार है, यानी दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे है और ये लाइन और ये ऊपर वाली सीपी ये दोनों समांतर भी है, यानी कि दोनों त्रिभुज एक आधार पे है और एक ये समांतर लाइन के बीच में स्थित है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी क्यू, तो यहां पर लिखते हैं ए सी क्यू बराबर एरिया ऑफ ए पी क्यू, तो ये लिख दिया ए पी क्यू, इन दोनों
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। क्यों है? मैंने आपको बताया है कि ए की आधार पे है और ए के समांतर लाइन के बीच में स्थित है। ये चीज आप इससे पहले लिख सकते हो, उसके बाद में आप ये लिख देना। अब देखिए हमने क्या किया, ACQ का क्षेत्रफल और APQ का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमने लिख दिया। अब हमने ये ACQ लिया था और APQ लिया था, हमें ये जो इसके अंदर ये त्रिभुज बना हुआ है इसकी हमें जरूरत नहीं है। ABQ जो है इस त्रिभुज की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए एक त्रिभुज को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें एक तो ये समांतर चतुर्भुज, दूसरा ये समांतर चतुर्भुज, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर करना है, तो इसका एक त्रिभुज ये आना चाहिए और दूसरा ये आना चाहिए। तो इसका मतलब हमने ये जो त्रिभुज है इसको हम माइनस कर देते हैं, ए बी क्यू जो है इसको हम दोनों साइड से माइनस करेंगे। देखिए ए सी क्यू, इसमें से ए बी क्यू को माइनस करता हूं तो ये त्रिभुज रहेगा, और ए पी क्यू जो हमने लिखा है उसमें से ए बी क्यू को माइनस करता हूं तो ये त्रिभुज रहेगा, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ए बी क्यू का। तो मैं लिख देता हूं कि दोनों पक्षों से एरिया ऑफ ए बी क्यू, ए बी क्यू जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल माइनस करना है दोनों पक्षों से, तो दोनों पक्षों से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पर चलिए इधर से भी घटाएंगे और इसमें से भी घटाएंगे, तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं एरिया ऑफ एसीक्यू, एरिया ऑफ एसीक्यू इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ एबीक्यू, तो एरिया ऑफ एबीक्यू बराबर ये लिखेंगे एरिया ऑफ एबीक्यू, इसमें से भी माइनस करेंगे एरिया ऑफ एबीक्यू, यानी ये जो त्रिभुज है दोनों में से माइनस करते हैं जो हमने लिखे हैं। अब देखिए ACQ में से ABQ को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो मैं लिखूंगा कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, कौन सा आएगा, देखिए ACQ इसमें से ABQ को माइनस करते हैं तो ये त्रिभुज रहेगा जिसका नाम है ABC, तो मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ABC बराबर। दूसरा देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे ABQ, अब ये APQ इसमें से माइनस कर देते हैं ABQ, ABQ को तो ये निकल जाएगा पूरे में से, तो ये त्रिभुज रहेगा जिसका नाम है PBQ, तो मैं यहां पे लिख देता हूं PBQ। अब मैंने इसको नाम दिया समीकरण नंबर एक। चलिए यहां तक हो गया, आगे मैंने आपको ये बताया कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके अंदर एक ये और एक ये दो त्रिभुज बने हुए, नीचे वाले में भी एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज दो त्रिभुज बने हुए, क्यों? क्योंकि हमने इसमें एक विकर्ण बना रखा है और ये विकर्ण है वो दो त्रिभुज में इसे बांटता है समांतर चतुर्भुज को, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, यह भी हम लिख सकते हैं। इसके साथ में हम ये लिख सकते हैं कि अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, तो एक त्रिभुज इन दोनों में से एक त्रिभुज ले लेते हैं, नीचे वाला लेंगे क्योंकि हमें नीचे वाला हमारे काम में आएगा एबीसी, तो देखिए ये एबीसी लेंगे। अब एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो मैं किस तरह से लिख सकता हूं, तो ये जो त्रिभुज है एबीसी इसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज जो बना हुआ है एबीसीडी इसके क्षेत्रफल का आधा होता है, तो मैं ये लिख सकता हूं। तो ये बात पहले हमें लिखनी है, मैं आपको सीधा बता देता हूं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो मैं ये लिख देता हूं कि एरिया ऑफ एबीसी का क्षेत्रफल, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ एबीसी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज के, तो समांतर चतुर्भुज कौन सा है एबीसीडी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एबीसीडी एबीसीडी, इसको नाम दिया समीकरण नंबर दो। इसी तरह से इस समांतर चतुर्भुज में हम देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है कोई भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या है ये त्रिभुज चाहिए क्योंकि हमें इन दोनों त्रिभुजों को यहां पर बराबर किया, तो ABQ जो है वो ही लेंगे, ये है सॉरी PBQ है, तो PBQ ये जो त्रिभुज है इसका भी क्षेत्रफल ये जो PBQ समांतर चतुर्भुज बनाओ इसके क्षेत्रफल का आधा होता है, तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ PBQ इसका क्षेत्रफल आधा होगा एरिया ऑफ PBQR, इसको नाम दिया समीकरण नंबर थ्री, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये समांतर चतुर्भुज जो है इसके क्षेत्रफल का आधा होता है, मैंने ये लिखा है यहां पर। तो अब देखिए समीकरण एक दो और तीन से, तो मैं लिख देता हूं कि समीकरण एक दो व तीन से,
अब देखिए समीकरण नंबर एक में ये दोनों चीज बराबर है, एबीसी का क्षेत्रफल और पीडीक्यू का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि एबीसी और पीडी की पीडीक्यू जो है इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमने ये देखा है कि जब समीकरण हमारे पास में बनी होती है तो अगर उनकी एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड को हम बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों जो त्रिभुज है इनका क्षेत्रफल बराबर है, समीकरण नंबर एक में हमने लिखा था। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इन दोनों को भी हम बराबर लिख सकते हैं। तो मैं एक बटे दो एबीसीडी बराबर लिख सकता हूं एक बटे दो पीडीक्यू का। तो हम ये लिखेंगे कि एक बटे दो एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर एक बटे दो एरिया ऑफ पीडीक्यूआर। अब देखिए एक बटे दो से एक बटे दो कट गया, तो क्या रहा हमारे पास में एरिया ऑफ एबीसीडी। मैं आगे लिख देता हूं एरिया ऑफ एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर दूसरा एरिया ऑफ ये रह गया पीबीक्यूआर तो ये चीज हमें इसमें सिद्ध करनी थी। यहाँ पर एबीसीडी का क्षेत्रफल और पीबीक्यूआर का क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करना था। तो मैंने आपको कंप्लीट इसका प्रोसेस है वो बताया कि किस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो यह था इसका प्रश्न नंबर 9। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं इसका प्रश्न नंबर 10। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 10 है, इसमें हमें समलंब चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी। इसके अंदर समूह जो भुजा है ए बी और सी डी ये दोनों समांतर है। सी डी और ए बी क्या है समांतर इसमें हमें दी गई है, और इसके जो विकिरण है दोनों एस सी और बी टी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ डी का क्षेत्रफल, देखिए ए ओ डी ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और बी ओ सी ये हो गया बी ओ सी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें ऐसे दो त्रिभुज हैं जो ए के आधार पे हैं और ए की समांतर लाइन के बीच में स्थित है, तो उन दोनों का क्षेत्रफल हम बराबर लिख सकते हैं। तो पहले हम ये बात लिख देते हैं कि दो त्रिभुज जो ए के आधार पे ए के समांतर लाइन के बीच में स्थित है वो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे कि एक तो देखिए ये हो गया ए बी डी ये जो त्रिभुज है ए बी डी देखिए इसका आधार ये एक है ये आधार इसका और दूसरा है ए बी सी ये त्रिभुज। अब देखिए ये त्रिभुज पूरा और एक इधर वाला ये पूरा ए के आधार पे है नीचे वाले पे, और नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली जो लाइन है जो रेखा है वो क्या है आपस में समांतर है। तो ये दो भुजा समांतर है ए के आधार है, तो एक ये त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो चलिए मैं पहले ये लिख देता हूं कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी इसका क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो मैं लिखता हूं ए बी सी। अब देखिए हमें पता है कि यहां पर जिन दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बराबर करना है वो एक ये है और दूसरा ये। तो देखिए ये ए बी सी इसमें से हमें अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं ए बी ओ को, अगर इसको मैं माइनस कर देता हूं तो ये त्रिभुज आएगा, और इधर वाला जो हमने त्रिभुज लिया है ए बी सी इसमें से भी ये नीचे वाला माइनस कर देता हूं, क्योंकि ये नीचे वाला जो त्रिभुज है ये कॉमन त्रिभुज है जो दोनों में आ रहा है। तो अगर इसको हम माइनस कर दें यानी निकाल देते हैं तो ये त्रिभुज आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे ए ओ बी इस त्रिभुज को दोनों तरफ से माइनस कर देंगे। तो चलिए हम माइनस कर देते हैं, यहां पर लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों से एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी को माइनस करने पर, ए ओ बी को घटाने पर तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ए ओ बी का वो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो एक ये आ जाएगा और दूसरा ये आ जाएगा, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा। सिंपल है सिद्ध करना। तो देखिए मैं यहां पर पहले ये लिख देता हूं एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ एबीडी का क्षेत्रफल इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ एओबी का क्षेत्रफल, तो एओबी और बराबर में एरिया ऑफ एबीसी का क्षेत्रफल इसमें से भी माइनस करना है, दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो एओबी लिखेंगे एओबी का क्षेत्रफल। दोनों तरफ से हमें ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल माइनस कर देना है, तो एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो चलिए मैं माइनस कर देता हूं, तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ, अब देखिए
इन दोनों त्रिभुज को जब माइनस किया एपीडी, अब देखिए ए बी डी, इसमें से ए ओ बी इसको माइनस कर दिया, यानी ये त्रिभुज है इसको हमने माइनस कर दिया, तो ये जो त्रिभुज था इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया, तो ये त्रिभुज आ गया, तो हम लिख सकते हैं ए ओ डी लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर लिख दूं एरिया ऑफ ए ओ डी और बराबर एरिया ऑफ इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जब माइनस करेंगे तो एबीसी देखिए कौन सा ए बी और ये सी, ये त्रिभुज, इसमें से भी इस त्रिभुज को माइनस कर देते हैं तो ये त्रिभुज आ जाएगा जिसका नाम है बी ओ सी, तो मैं यहां लिख देता हूं बी ओ सी, और ये चीज हमें इस प्रश्न के अंदर सिद्ध करनी थी कि AOD का क्षेत्रफल और BOC का क्षेत्रफल बराबर, तो हमने AOD और BOC का क्षेत्रफल हमने बराबर सिद्ध कर दिया, तो ये सिंपल सा था दो लाइन का प्रश्न था, तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस इसकी बता दी है कि किस तरह से आपको सिद्ध करना है। इस वीडियो में मैंने आपको दो प्रश्न बताए, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10। आई होप ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।